नमस्कार, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं बैकपाइप बैंड टीचर हूं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बैकपाइप बजाने से पहले हमें प्रैक्टिस सेंटर पर प्रैक्टिस करनी है, उसमें हमें सरगम सीखनी है। तो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पहले समझने के लिए एक वीडियो आपके लिए आज मैं बनाने जा रहा हूं। इसे प्रैक्टिस सेंटर क्यों कहते हैं, ये कैसा है, ये कैसे बजता है, आज मैं इस बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसको मैंने बताया था, बोलते हैं प्रैक्टिस सेंटर। इसका नाम ही सेंटर है, उसमें प्रैक्टिस की जाती है। कुछ भी क्विक मार्च या स्लो मार्च, कोई भी रिदम, हम इसमें फिल्मी गाने भी बजा सकते हैं। सरगम भी इसमें सबसे पहले सीखी जाती है। इसकी हैंडलिंग कैसे होती है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आज मैं इसको बताऊंगा कि ये कैसे और क्या है। आपके दिमाग में बात होगी कि ये असल में है क्या चीज, तो आज मैं आपको बताता हूं। ये प्रैक्टिस सेंटर है, दिखने में तो ये एक इक्विपमेंट लगता है, लेकिन ये थ्री पीस में डिवाइड है। देखिए, इसको मैं यहां से खोलूंगा तो ये टू पीस में डिवाइड हो गया अभी, माउथ पीस एंड हैंड पीस। उसके बाद ये जो ऊपर दिख रहा है आपको वुडन, इसको बोलते हैं रीड, RED रीड, इसको कहते हैं रीड। ये हैंडमेड होती है, स्पेशल हाथ से बनाई जाती है। और इसके ऊपर देखिए, यहां मैं दिखाऊं आपको तो ये एक तार भी बनी हुई है, प्लस इसके अंदर एक धागा भी बना हुआ है। तो ये हाथ से बनती है, इसको बजाने से पहले हमेशा पानी से गीला किया जाता है, जिससे कि इसकी आवाज बहुत अच्छी निकलती है। तो ये हमारे हैंडपीस जो होता है, बिल्कुल आगे से खाली होता है, जहां से हम सरगम के या कहीं भी कुछ भी बजाएं तो उसके सुर निकलते हैं। देखिए, ये इसके अंदर ऐसे अटैच की जाती है, ऐसे इसमें लगती है। इसके अंदर कच्चा धागा लगा है और ये एकदम बहुत ही सॉफ्ट हाथों से अटैच की जाती है। ध्यान रहे, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये बिल्कुल तिरछी या इधर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बंद करते वक्त आपके माउथ पीस में ये लग जाएगी, जिससे कि ये बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है। ये आराम से अगर ये घिस गई, उसके साथ ये लग गई, तो ये डैमेज है, ये टूट जाएगी, उसके बाद इसका बजाने का कोई मतलब नहीं। अब ये है आपका माउथ पीस, जिसके वो हम मुंह से पकड़ के बजाते हैं। हैंड पीस और माउथ पीस मिलके एक सेंटर पूरा बनता है। देखिए इसको कैसे बंद करेंगे, इसमें कोई चूड़ी नहीं है, सिर्फ ये कच्चा धागा है जो इसमें लपेटा जाता है। इसको बिल्कुल ध्यान से इसके अंदर बंद करते हैं। ध्यान रहे बंद करते वक्त कि इसके अंदर ये लगना नहीं चाहिए रीड को, इसको नाजुक हाथों से धीरे धीरे टाइट कर देंगे कि जिससे ये निकले ना। अब ये बिल्कुल टाइट हो चुका है और ये रेडी टू प्ले। उसके बाद मैंने आपको बता चुका हूं कि लेफ्ट हैंड कहां जाएगा, टाइनी फिंगर फ्री रहेगी, राइट हैंड कैसे यहां पे अप्लाई होगा, इसको कैसे हम माउथ पीस को मुंह से पकड़ेंगे। देखिए, अब ये बिल्कुल बजने के लिए तैयार है। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत पुराना सा मैंने क्यों इक्विपमेंट लिया है। इसके पीछे भी एक राज है कि ये बहुत पुराना सेंटर है, ये मेरे फादर के टाइम का सेंटर है, तो मैंने उनका सेंटर अपने पास रखा हुआ है। वो भी सेंटर बजाते हैं, उनके पास भी एक अपना एक सेंटर है, लेकिन ये उनका स्पेशल सेंटर है, तो मैंने उनसे ले लिया है क्योंकि मुझे ये सेंटर बहुत पसंद है। ये दिखने में पुराना है, लेकिन इसकी आवाज नए से भी बहुत बढ़िया है। देखिए, मैं आपको एक बार सरगम आज सुनाता हूं। समझ आइए आपको कि मैंने कैसे बजाया। अब इसके अंदर हम कुछ भी बजा सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एक आर्मी का मार्च बजा के सुनाता हूं, जिसका नाम है एक तारा। देखिए, कुछ भी मार्च बजाएंगे उससे पहले हमें ई नोट बहुत जरूरी है। हम इसको ड्रम के साथ बजाते हैं, साइड ड्रम, बेस ड्रम, टेनर ड्रम के साथ, तो इसमें पूरा रिदम हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, ड्रम की तीन बीट के बाद हम इसको ई नोट बजाते हैं शुरुआत में, जैसे कि
रेडी शुरू कर। 1 2 3 खाली। तीन बीट के लिए इसमें ई नोट बचता है। उसके बाद ये फिंगर हमारी, जब भी हम कोई मार्च बजाएंगे, कोई क्विक मार्च बजाएंगे या स्लो मार्च बजाएंगे, तो ये हमारी फिंगर ऊपर हो जाएगी। उसके लिए भी एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये क्यों ऊपर हो जाती है। पहले आज देखेंगे कुछ आपका, मैं समझाने जा रहा हूं कि कैसे मैं एक तारा बजा रहा हूं। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ध्यान दीजिए, 1 2 3 खाली। ये था फर्स्ट पार्ट जो दो बारी बजता है। फर्स्ट पार्ट के बाद अब सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट बजाया है, अब सेकंड पार्ट दो बार बजेगा। ध्यान दीजिए, अब ये सेकंड पार्ट दो बार हमने रिपीट किया। तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसमें ऐसे बजाया जाता है। इसके लिए एक तारा वीडियो के लिए मैं एक बार और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ब्रीफली समझाया जाएगा, ठीक है। आज मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस सेंटर क्या है, ये कैसे बजाया जाता है, इसके कितने पार्ट हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये वुड का है, ये लकड़ी का है, बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, इसको गिराना नहीं, अगर ये गिर गया तो कहीं ना कहीं से क्रैक हो सकता है जिसके बाद ये बजेगा भी नहीं। ये बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। बैक पाइप इक्विपमेंट बजाने से पहले इसको बजाना बहुत जरूरी है, तभी आपके बैक पाइप के सेंटर के ऊपर सारी उंगलियां हाथ आराम से चल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो के लिए बने रहे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।